यहाँ से लाल बार लगा हुआ है, लाल बार लगा के कोई बात है जाओ। नहीं, 80 नंबर है जी। हाँ जी, ये 4 साल से तैयार हो रहा है। 4 साल से 50 लोग लगते थे। पहले घंटा बनाता था, हल्का हो गया था, फिर दोबारा बनाया था हमने। इसका सब ढांचा फांचा सब दोबारा बना के तैयार करा था, फिर दोबारा बना के जब बना दिए घंटे 4 साल में। कितने लोग लगे? यानी 50 लोग लगते थे कम से कम पर डे। अब किस चीज़ का बना हुआ? अष्टधातु का घंटा हुआ है, बना हुआ है ये अष्टधातु घंटा। बहुत अच्छा घंटा लगता है। अब आज कम से कम ना तो 1 किलोमीटर तक जाएगी इसकी गूंज। गूंज बहुत बढ़िया है इसकी। राम मंदिर के लिए घंटा बना है, कैसा मैसेज फील कैसा कर रहे हैं? फील तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि राम मंदिर के लिए हमारा घंटा जा रहा है, हाथ का बना हुआ। अब तो और भी बनाए होंगे? और तो छोटे बनाए इससे, बड़े नहीं बने इससे। 1500 किलो का, 1200 किलो का, 1100 किलो का। सबसे अच्छा अनुभव किसका रहा? जी रहा इसका 2100 किलो का। याद रहेगा, पूरे वर्ल्ड में याद रहेगा, और हम भी याद रहेंगे, हमारे बच्चे भी याद करेंगे। आदित्य मित्तल नाम है सर। ये घंटा आपके लिए बड़े गौरव की बात है, और ये 8 तारीख की सुबह 9 बजे यहाँ से रवाना होगा। यहाँ से जलेसर, जलेसर से अवागढ़, अवागढ़ से निधौली, निधौली से एटा, एटा से जो है अलीगंज, अलीगंज से जो है कायमगंज, कायमगंज से फरुखाबाद होते हुए लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुँचेगा। ये भव्य पदयात्रा यात्रा के रूप में यहाँ से निकाला जाएगा, और आपका पुत्र सहयोग से वहाँ स्थापित होगा। जी जी पहचान जी जी भैया, मैं तो बहुत, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जलेसर की मिट्टी, जलेसर की खनक जो दिव्य मंदिर में अयोध्या के लिए अष्ट धातु से और कुशल कारीगरों द्वारा जो घंटा निर्मित किया गया है, भगवान से प्रार्थना यही हो, ऐसी ऐसी मिट्टी जो मेरी एटा की पावन धरती से अयोध्या के दिव्य मंदिर में घंटा बजेगा। और मित्तल प्रभात जी ने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ हैं, इतनी मेहनत करी है कि 4 साल से घंटे का निर्माण कर रहे हैं। क्या कहेंगे स्पेशली जलेसर के लिए, क्योंकि राम मंदिर में तो जा ही रहा है और भी कई जगह यहाँ से घंटे जाते रहे? भैया ये तो केवल जलेसर की ऐसी मिट्टी है कि घंटे खूब जाते हैं, लेकिन जलेसर गॉड गिफ्ट मानेंगे। अच्छे से लोगों ने रिसर्च किया मिट्टी में गॉड गिफ्ट है इसको देवतल वृंदावन, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी है ये मिट्टी कहीं जो घंटा बनता है इसकी जो खनक गूंज कहीं नहीं मिलती। क्या कहेंगे जनता के लिए भी और यहाँ के लिए भी? भैया हम तो सौभाग्यशाली हैं एटा जलेसर की जो यहाँ से अयोध्या दिव्य बद्ध मंदिर के लिए जलेसर से घंटा जा रहा है, इसे सौभाग्यशाली क्या है। ये घंटा 2100 किलो का तैयार किया गया है। इसको हम लोग 4 साल से लगभग प्रयास करके पूरा किया गया है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे विधायक जी की विशेष मेहनत का परिणाम है कि यह घंटा आज अयोध्या में जाने के लिए तैयार हुआ है और वहाँ से अनुमति मिली है। ये हमारे जलेसर के लिए गौरव की बात तो है ही है, हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि ये जलेसर की दिव्य मिट्टी से बना हुआ ये पीतल का घंटा जो है, अष्टधातु का घंटा अयोध्या जा रहा है, ये बहुत ही गौरव की बात है। ये घंटा लगभग 400 लोगों ने मिलकर बनाया है, और इसके मुख्य कारीगर दाऊदयाल हैं, उन्होंने बनाया है इसको। और ये घंटे की जो अष्टधातु का बना हुआ घंटा जब वहाँ गूंजेगा तो ये जलेसर का एक नाम रोशन होगा, एक हमारे लिए सौभाग्य है, ये बहुत बड़े। इसकी खासियत भी कुछ है घंटे की? देखिए खासियत तो जलेसर के घंटे की हर एक की खासियत है,
कि जलेसर की मिट्टी में गॉड गिफ्ट है। हर वैसे तो उत्तर प्रदेश का हर जिला, हर कस्बा, हर मिट्टी अपने आप में खुशबू रखती है। आगरा का पेठा खुशबू रखता है, भदोही के कालीन मशहूर हैं, अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं। ऐसे ही जलेसर की मिट्टी में खासियत है कि यहाँ के बने हुए घंटों की गूंज पूरे इंडिया के, पूरे दुनिया में सुनाई देती है। आप चाहे बाबा केदारनाथ के द्वार में हो, चाहे उज्जैन के द्वार में हो, चाहे बाबा महाबटेश्वर में हो, चाहे आपके किसी भी बड़े मंदिर की बात करेंगे, जहाँ भी दिव्य घंटे लगे हुए हैं वो सब जलेसर के बने हुए हैं। मोस्टली 95% घंटे जलेसर के बने हुए लगे हुए हैं। इसमें जॉइंट नहीं है कोई, ये यही तो इसकी खासियत है कि ये जो घंटे यहाँ पर निर्माण होते हैं वो सिंगल पीस में बने हुए घंटे निर्माण होते हैं, जिसमें कोई वेल्डिंग किसी प्रकार की नहीं होती है। जाने की प्रक्रिया भी है मंदिर में? अयोध्या में जाने के लिए हमको इसका प्रोग्राम मिल गया है। ये जो है 8 तारीख की सुबह 9 बजे जलेसर से एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकलेगा, जिसमें हमारे सभी क्षेत्र के विधायक, सभी माननीय विधायक जी, हमारे क्षेत्र के अधिकारी, हमारे भाजपा के सभी पदाधिकारी, जलेसर के सभी गणमान्य व्यक्ति, जो भी हमारे आगरा अलीगढ़ जितने भी हमारे सांसद और हमारे मंत्री और जो भी सभी लोग हैं वो साथ रहेंगे। ये हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ से हम लोग, यहाँ से 8 तारीख की सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। यहाँ से अबागढ़ पहुँचेंगे, अबागढ़ से फिर हम लोग शोभा यात्रा हमारी निधौली कला, हमारी जो जलेसर विधानसभा है उसके अंतर्गत आती है, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से फिर एटा पहुँचेंगे, एटा में भी इसका भव्य स्वागत का प्रोग्राम है। उसके बाद अलीगंज में है, अलीगंज के बाद हमारा कायमगंज में प्रोग्राम है, कायमगंज के बाद इसका फरुखाबाद है, और फरुखाबाद से ये फिर लखनऊ जा कर के विश्राम है इसका। और अगले दिन सुबह 9 तारीख की ये रवाना होगी फिर अयोध्या के लिए। दोपहर तक हम लोग अयोध्या पहुँच जाएँगे। बी एल कुशवाहा नाम है मेरा, क्षेत्रीय मंत्री हूँ ओबीसी मोर्चा में, भाजपा में जी। जलेसर की मिट्टी खास है, इसकी मिट्टी में वो आवाज़ है वो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में तो क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है। यहाँ की घुंघरू और घंटा बहुत ही मशहूर हैं, और इस जलेसर के क्या है पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जलेसर से और भगवान श्री राम के मंदिर में घंटा लगेगा जा करके, बहुत ही खुशी की बात है। और पूरे जलेसर में हर्ष का विषय है।